चमार चमार होते हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती है। चमारों की औकात तो ऐसी है ना, तेरे मोदी और तेरे योगी वो भी नहीं बचा पाएंगे तुझको। अब तुझे पता चल जाएगा कि चमारों की क्या औकात होती है। गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, साला चमार पैदा होना चाहिए था कि गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाती एटलीस्ट। चमार होकर इसे सरकारी नौकरी चाहिए। आ जाओ, दो तीन तो मेरी गली में हैंगे, पर लगता है तेरी हरकत देखकर, तेरी बातों को सुनकर वो आपसे शादी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। चमारों को यहाँ बिठा दिया, जनरल वालों को नीचे कर दिया। सर चमार चमार होते हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती है। चमार चमार होते हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती है। चमार चमार होते हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती है। अब तुझे पता चल जाएगा कि चमारों की क्या औकात होती है। टेंशन मत ले, चमारों की औकात भी पता चल जाएगी। शादी करने के लिए भेज दूं, इससे कौन शादी करेगा? कोई भी नहीं करेगा बिल्कुल भी। मेरे पास है दो भाई मेरे छोटे छोटे, एक को तो सब जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भीमसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जॉनी वर्मा नाम है, और एक छोटा है, उसने तो बिल्कुल ही उसकी सूरत देख के ही ये कह दिया भैया ये तो है नहीं किसी भी लायक। वो तो बोल रहा दी इसे तो घर में भी मत रखना झाड़ू पोछा के लिए भी। कोई तो चमार ऐसा मिल ही जाएगा जो तुझे रख लेगा। चमार बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बहन, तू दुखी मत हो, तू मेरे घर आ जाओ और यहाँ बहुत सारे भाई ऐसे तैयार बैठे हैं जो तुझे रख लेंगे अपने पास। और बेटा कैंडी के मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी ये जो बात है टट्टी है, टट्टी है, सिर्फ मोदी जी इतने अच्छे इंसान हैं कि मोदी के सामने कोई कुछ नहीं है, तो मोदी जी के पास ही चली जाए ना, क्यों बैठे इसमें। अरे चमार क्या इंसान नहीं होते? चमारों के बिना कोई काम चल जाएगा तुम्हारा? पगली कहीं की शिकल देखी अपनी कैसी है। चमार चमार होते हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती है। ऐसी तो कोई कंजरी होती है ना, कंजरी क्या होती है मुझे भी नहीं पता, पर जैसे लोग बोलते हैं ना थोड़ी थोड़ी बात पर बोल देते, कोई ज्यादा गंदा संदा होता है बच्चा उसको बोल देते कि कंजरी हो रही है बिल्कुल ही। इतनी बुरी हालत है तेरी। मेरे हस्बैंड है सरकारी नौकरी, आ जा मेरे घर में लगा लियो झाड़ू पोछा, गवर्नमेंट जॉब है उनकी, बाबा साहब की कृपया से, बाबा साहब की वजह से। तेरे जैसे चमार नहीं बन सकते। हमें चमार होने पे पता कितना गर्व है इस बात का, और तू रो रही है चमार होने के लिए, तो आ जाना, तू तुझे भी दे दूंगी 10-12 हज़ार रुपये महीने के। मेरा भी ऑपरेशन हुआ है इस बात को सब जानते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ दुखी हूँ, थोड़ा बहुत काम कर देना घर में, झाड़ू पोछा कर देना, छोटे बच्चे हैं मेरे, इस वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत तो तुझे भी फायदा मिल ही जाएगा। चमारों की औकात तो ऐसी है ना, तेरे मोदी और तेरे योगी वो भी नहीं बचा पाएंगे तुझको। और जिन जिन उन्होंने ये शब्द बोला है ना, चमार चूहड़ा भंगी, किसी से आसपास जाकर पूछ के देखना एक बार कि भाई चमारों की क्या औकात है। मैं भी कंप्लेंट करूंगी अभी इसकी, क्योंकि अभी मैंने की नहीं है, पर हाँ कल पूरी कोशिश करूंगी कि इसकी FIR करवा के आऊं मैं। सभी को मेरा नमस्कार। दिनों पहले मेरी एक वीडियो वायरल हुई है जिसका कोई भी किसी जाति धर्म से रिलेटेड नहीं है। वो चमार चमार होते हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती है। मैं किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। चमार चमार होते हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती है। हम सभी फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए थे, मजाक कर रहे थे एक दूसरे से, सभी SC ST OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम एक दूसरे की टांग खींच रहे थे और मजाक मजाक में हमने ये वीडियो बनाई, और गलती से मेरे फ्रेंड द्वारा ये वीडियो ग्रुप में डल गई और वहां से वो वायरल हो गई है। किसी को भी इस शब्द से अगर ठेस पहुंची हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अरे यार थोड़ी बहुत कुछ तो बताना पड़ेगा कि चमार क्या होते हैं, चमारों की औकात तो दिखानी पड़ेगी हमें। इसने बोली कि चमारों की क्या औकात है। मैं तहे दिल से माफी मांगती हूं, कृपया करके मैं आप सभी की बेटी हूं, मेरी मेरे वीडियो पर प्लीज ऐसे कोई भी गलत कमेंट्स ना करें जिससे मेरा फ्यूचर खराब हो। आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है। आसाम अम्बेडकर मेरा नाम है, पहले नहीं था ये आसाम अम्बेडकर, पहले मैं आशा थी खाली। जब से बाबा साहब को पढ़ा है जाना है समझे हा, जब से मैंने अम्बेडकर लगाया है पीछे, मैंने तो अपनी औकात दिखा दी जितनी मेरी थी, और इसके नाम की FIR दर्ज कर दूंगी। औकात दिखाओ बस, और कुछ नहीं, मेरा एक मन है कि इसे औकात दिखा दो बस। हंसी भी आ रही है इस पर और गुस्सा भी आ रहा है।